अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज है हमारा चैप्टर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 12 है। तो आज का जो लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का तारुफ। आज के टॉपिक क्या है? माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो क्या है, किस बलाद का नाम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और उसका एनवायरनमेंट और उसकी खसूसियात यानी प्रॉपर्टीज़, और प्लस इसके अंदर जो इंट्रोडक्शन है विंडोज़ के बारे में, उसका जो है वो उसकी सेटिंग थोड़ी सी हम करेंगे, डेस्कटॉप के हवाले से सेटिंग करेंगे, उसकी स्क्रीन सेवर के हवाले से, स्क्रीन रेजोल्यूशन के हवाले से, यानी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होगा। जो जो आपकी बुक के ऊपर मौजूद है वो मैं आपको करवाऊँगा इसमें। तो मैं जो विंडोज़ यूज़ करूँगा वो है विंडोज़ 7, जबकि आपकी बुक के ऊपर जो है वो है विंडोज़ 2000। मैं कोशिश करूँगा कि विंडोज़ 2000 वाले जो जो आपके प्रैक्टिकल इसमें मौजूद हैं इस चैप्टर में, वो विंडोज़ 7 में जो है वो करके दिखाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम बढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकन कंपनी है जो सालाना अरबों के हिसाब से जो है वो डॉलर सॉफ्टवेयर अरबों डॉलर के हिसाब से सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सपोर्ट करती है पूरी दुनिया में, और विंडोज़ जो है वो ये उन्हीं सॉफ्टवेयर में से एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। तो विंडोज़ जो है वो एक टर्म है, एक टर्मिनोलॉजी है जो इस्तेमाल की गई है इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, सेम उसी तरह जैसे हम उसका आम मतलब लेते हैं। जैसे आम मतलब हम विंडो का क्या लेते हैं, खिड़की। खिड़की वो जिसके ज़रिए हम कोई अपने घर से बाहर या आउटसाइड वर्ल्ड को हम देखते हैं। इसी तरह हर एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जो आप इस विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल करेंगे वो भी एक विंडोज़ की शक्ल में खुलेगी, यानी उसकी एक विंडो खुलेगी खुलेगी उसके अंदर आप जो है उसका स्पेसिफिक काम जो भी आप उससे लेना चाहते हैं वो कर रहे होंगे। तो कोई फोल्डर खोल लें, कोई सॉफ्टवेयर खोल लें, तो उसकी एक विंडो खुलती है। उसी हवाले से इसका इस्तेमाल, इसकी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ किया गया है। फिर है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसको हम GUI भी कहते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है ये एक बहुत बड़ा फीचर था जिसने ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्कुल बदल के रख दिया। इससे पहले जो था वो था MS-DOS। MS-DOS क्या था, जस्ट ब्लैक या ब्लू स्क्रीन जो है वो हुआ करती थी, जिसके अंदर वाइट कलर में आपको कमांड या किसी और कलर में भी आप उसको कर सकते थे, चेंजिंग उसकी सेटिंग हो जाती है कलर की, टेक्स्ट की, ग्राफ और बैकग्राउंड की। तो इतने ज़्यादा कलर नहीं थे जितने कलर आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में मिलते हैं। मसलन उसमें क्या है, खूबसूरत आइकन्स हैं, हर एक सॉफ्टवेयर जो है उसके आइकन्स हैं, और कमांड्स आपको मिल जाती हैं। जो मेन फीचर, मेन जो है इसका फ़र्क है वो ये है कि डॉस में हमें कमांड जो है वो याद रखनी पड़ती थी, उसका सिंटेक्स याद रखना पड़ता था, और अगर हमें कोई गलती हो जाती है तो हमें दोबारा जो है वो सारी कमांड को लिखना पड़ता था। जबकि इसके अंदर क्या है कि मेन्यू ड्रिवन कमांड्स हैं, मेन्यूज़ जो है वो बने हुए हैं, उनको आप क्लिक करते हैं तो उसमें से कमांड्स का इंतखाब करके अपना काम जल्दी से कर लेते हैं। फिर है विंडोज़ की खसूसियात। सबसे पहले है लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये विंडोज़ जो 2000 जो था उस वक्त, ये उस वक्त का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था, और इसमें जैसे मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो तो पहले इस्तेमाल हो रहा था फ्रॉम विंडोज़ 3.3x से लेके ऑनवर्ड, लेकिन इसमें भी जो है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पहले से बहुत अच्छा था, और इसमें भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया था, मज़ीद जो है वो बेहतरी इसमें लाई गई थी। फिर जो है ईजीएस्ट एनवायरनमेंट, माहौल जो है विंडोज़ का आसान है, आपको कोई भी चीज़ है उस तक एक्सेस जो है वो आपकी आसानी से हो जाती है। मसलन अगर आपने कोई चीज़ जो है वो ढूंढनी है किसी जगह पड़ी हुई है माई कंप्यूटर के अंदर, तो आप उस माई कंप्यूटर का आइकन पहले से ही आपके जो है वो डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ।
अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स ढूंढने हैं तो वो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट्स में सेव होते हैं, तो माय डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर पहले से वहाँ पे पड़ा है। इसके अलावा जो जो चीज़ें जो हैं वो डेस्कटॉप के ऊपर आगे जाके आप देखेंगे वो पहले से ही आपको वहाँ पे मौजूद है। फिर है मल्टी टास्किंग। मल्टी टास्किंग जो है उसका मतलब है कि एक वक्त में एक से ज़्यादा जो है वो काम कर रहा है। मतलब अगर आप एक से ज़्यादा मुख्तलिफ काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है एक वक्त में आपने मुख्तलिफ प्रोग्राम खोले हुए हैं। मसलन अगर आप कोई लेटर लिख रहे हैं, हो सकता है आप वर्ड पैड में लिख रहे हैं या एमएस वर्ड भी हो सकता है, या कोई और आउटलुक का सॉफ्टवेयर खोला हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, और साथ में आप म्यूज़िक भी सुन रहे हैं, साथ में हो सकता है आप जो है वो प्रिंटिंग भी कर रहे हैं, साथ में आप जो है वो इंटरनेट के ऊपर कोई जो है वो और कोई वेबसाइट देख रहे हैं, तो एक वक्त में आप एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं मल्टी टास्किंग। फिर आ जाता है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब है एक ही प्रोग्राम के जो है एक से ज़्यादा विंडोज़ आपने खोली हुई है। मसलन अगर आप जो एमएस वर्ड है तो उसको आप एक दफ़ा खोल लें, तो अगर आप उसके अंदर किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप किसी और डॉक्यूमेंट जो कि एमएस वर्ड के अंदर ही बना हुआ है उसको भी अलहदा से खोल सकते हैं, वो एक अलहदा विंडो में खुल जाएगा। इसी तरह अगर आप चाहें एमएस वर्ड कम्प्लीटली एक अलहदा विंडो में एक और विंडो उसकी खुल जाए तो वो भी खुली जा सकती है। तो एक वक्त में आप एक प्रोग्राम की एक से ज़्यादा जो है वो इंस्टेंस जो है वो खोल सकते हैं, एक से ज़्यादा जो है वो उसकी कॉपीज आप खोल सकते हैं, इसको कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। फिर आ जाता है इजी डेस्कटॉप। जैसे मैंने आपको दूसरे पॉइंट पे बताया, डेस्कटॉप पे आसानी से आपको चीज़ें मिल जाती हैं जो अमूमन आपको चाहिए होती हैं। मसलन कोई चीज़ आपने डिलीट की है, रिसाइकल बिन में रिसाइकल बिन का फोल्डर वहाँ पे पड़ा है, उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप चाहें कोई वही ऐसा फोल्डर है जिसकी आपको बार बार ज़रूरत पड़ती है तो उसका आप शॉर्टकट बना सकते हैं, तो इसलिए आपके लिए आसानी पैदा हो जाती है। फिर है इंस्टॉलिंग न्यू हार्डवेयर। तो कंप्यूटर के साथ जब कोई नया हार्डवेयर आप लगाते हैं तो विंडोज़ जो है उसको ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेते हैं, चाहे वो कोई सी भी विंडो है, विंडोज़ 2000 तो बेटर है, तो विंडोज़ 2000 भी उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। और उसका जो ड्राइवर है, जो छोटा सा ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर होता है जो उस हार्डवेयर को चलाने के लिए उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, अगर उसको नहीं मिलता तो फिर आपको इंटरनेट से या उसके साथ जो सीडी मिली है आपको हार्डवेयर के साथ उसके साथ आप इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर है अनइंस्टॉलिंग। अनइंस्टॉलिंग हार्डवेयर भी बड़ा आसान है, इसके अंदर आप डिवाइस मैनेजर में जाके उस हार्डवेयर के ऊपर राइट क्लिक करके उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं और वो इससे सिस्टम से जुदा हो जाएगा, यानी जुदा गया सिस्टम में लगा तो होगा लेकिन काम नहीं करेगा जब तक आप उसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करते। फिर है ड्राइवर डेटाबेस। ड्राइवर डेटाबेस का मतलब है कि एक ऐसी जगह है जहाँ विंडोज़ के अंदर कुछ ऐसा मेमोरी का हिस्सा है जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के हार्डवेयर के डिवाइस ड्राइवर रख दिए गए हैं जो अमूमन जो है वो कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल किए, ताकि जो यूज़र जो विंडोज़ को इस्तेमाल कर रहा है उसको वो हार्डवेयर साथ लगाए तो उसका ड्राइवर ऑटोमेटिक विंडो इंस्टॉल कर ले, तो वो इसलिए वो सॉफ्टवेयर उसको इसको हम कहते हैं प्लग एंड प्ले, यानी आपने हार्डवेयर प्लग किया और साथ ही उसको प्ले करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका ड्राइवर पहले से विंडोज़ के अंदर मौजूद है। फिर है विंडोज़ एक्सप्लोरर। विंडोज़ एक्सप्लोरर एक जो है वो ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप जो है अपने पूरे कंप्यूटर के अंदर पड़ी हुई फाइलों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। फिर है फैसिलिटी ऑफ टास्क बार। टास्क बार जो है वो नीचे आपको एक बार नज़र आती है जब आप डेस्कटॉप पे पहुँच जाएँ, जहाँ पे कुछ आइकन्स भी हो सकते हैं, राइट साइड पे आपको टाइम नज़र आ रहा होता है, साथ में जो है वो स्पीकर का एक निशान नज़र आ रहा होता है, फिर जो है वो उसके साथ इंटरनेट का अगर आपने कनेक्ट हो तो उसका आइकन नज़र आ रहा होता है, लेफ्ट साइड पे आपको स्टार्ट बटन का नज़र आ रहा होता है, तो ये टास्क बार है। टास्क बार का मतलब है वो जगह जहाँ पे जो आपने टास्क यानी प्रोग्राम खोले हुए हैं उनको आप जब मिनिमाइज करते हैं तो वो उस बार के ऊपर आके वो बटन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, इसको हम टास्क बार बार जो है वो कहते हैं। फिर है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब है कि अगर ये जो आप कंप्यूटर आपस में वायरलेस या केबल्स के ज़रिए अगर आप उनको जोड़ना चाहते हैं तो ये सहूलत इसमें मौजूद है। इससे पहले जो विंडोज़ थी उसमें, विंडोज़ 2000 से पहले जो विंडोज़ थी उसमें ये सहूलत जो है वो बिल्ट इन जो होती है सहूलत वो मौजूद नहीं थी। ये जो विंडोज़ थी इसके अंदर मौजूद थी, याद है आपने पढ़ा था इसके दो वर्जन थे,
विंडोज़ वर्कस्टेशन और विंडोज़ सर्वर, ये जो है वो दोनों इस्तेमाल किए जाते थे। विंडोज़ सर्वर जो है वो बाकी उस सिस्टम पे इंस्टॉल किया जाता था जो बाकी कंप्यूटर को कंट्रोल करता था, और विंडोज़ वर्कस्टेशन जो कंप्यूटर को कंट्रोल किया जाता था उनके ऊपर इंस्टॉल की जाती थी। तो नेटवर्किंग की सहूलत इसमें विंडोज़ 2000 में आ गई थी। फिर है कनेक्टिंग विद इंटरनेट, इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना इसमें कोई मुश्किल काम नहीं था। बेशक उस वक्त जो भी फैसिलिटीज थी, डायल अप था या DSL था, जो भी था, उस वक्त ये इंटरनेट की सहूलत इसमें मौजूद थी और उसका सारा सेटअप जो है इसमें आसानी से हो जाता था। फिर है सिक्योरिटी ऑफ सिस्टम, तो ये पहली दफ़ा जो है वो सिक्योरिटी जो है वो उसका किया गया था। सिक्योरिटी जो है वो इसमें आप जो है वो इंस्टॉल जो है वो जब भी आप विंडोज़ के अंदर जो है वो एंटर होते हैं तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो देना पड़ता था, जो कि विंडोज़ जो है वो उसके अंदर विंडो 98 के अंदर मौजूद नहीं था। फिर जो है वो वायरस प्रोटेक्शन, वायरस प्रोटेक्शन जो है उसमें क्या था कि इसके अंदर बिल्ट इन जो है वो एंटीवायरस जो है वो इंस्टॉल किया हुआ था, जैसे विंडोज़ डिफेंडर है या विंडोज़ जो है वो क्या कहते हैं, कोई भी आप जो है वो इसके अंदर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, जो है वो एंटीवायरस बेतहाशा हैं, लेकिन इसका अपना भी है जिसको विंडोज़ डिफेंडर भी आप कह सकते हो। फिर है इंस्टॉलिंग न्यू प्रोग्राम, इंस्टॉलिंग न्यू प्रोग्राम जो है उसमें क्या था कि अगर आप कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी आप CD डालते हैं उसकी और वो उसका एक सेटअप चलाते हैं, तो इसके अंदर जो है वो नया प्रोग्राम जो है वो भी इंस्टॉल किया जा सके। एक तो ये है। फिर इसके जो अपने सॉफ्टवेयर हैं, अपने जो सॉफ्टवेयर हैं, मसलन इसमें कुछ एक आपने विंडो इंस्टॉल कर ली तो अपने सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट जो इंस्टॉल होते हैं वो हो गए। इसके अलावा जो इसके विंडोज़ के अपने सॉफ्टवेयर होते हैं अगर वो उस वक्त इंस्टॉल नहीं हुए तो इसको इंस्टॉल किया जा सकता है कंट्रोल पैनल के अंदर जाके, उसके अंदर जो है वो आप जो है वो इंस्टॉल कर ले तो वो ऐड हो जाएंगे। और जो नया प्रोग्राम अगर आपने विंडोज़ के अलावा कोई प्रोग्राम इंस्टॉल किया है तो वो स्टार्ट मेन्यू में जाके अपनी जगह पे उसका एक लिंक जो है वो बन जाएगा और उधर से आप उसे जो है वो चला सकते हो। जैसे आपने एम एस ऑफिस जब इंस्टॉल करें तो उसका एक लिंक बन जाता है स्टार्ट मेन्यू के अंदर और उसकी एक लिस्ट जो है उसके प्रोग्राम की बन जाती है। फिर जो है वो नेक्स्ट जो है वो इसका जो है डेस्कटॉप जो है विंडोज़ का वो हम देखते हैं क्या चीज़ है। विंडोज़ का जो डेस्कटॉप है विंडोज़ का जो डेस्कटॉप है वो आपको इस तरह से जो है वो दिख रहा है, और ये आप देख रहे हैं ये है जी डेस्कटॉप सारा, और ये आपको आइकन नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के, ये आपने खुद बनाए हुए हैं, कुछ बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो है आपका माई डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर जो कि यूज़र के नेम से बना हो, इसके अंदर जो है वो यूज़र जो होता है आपका उसी नेम से बन जाता है। इसको जब आप खोलते हैं तो इसके अंदर आपको माई डॉक्यूमेंट्स आपने नज़र आते हैं। ये जो पहले जो विंडोज़ थी इसी विंडोज 7 से पहले जो है विंडोज 2000 की मैं बात करता हूँ तो उसमें माई डॉक्यूमेंट्स लिखा होता था, फिर माई कंप्यूटर ये पहले भी मौजूद था विंडोज 2000 में, तो ये माई कंप्यूटर है। फिर है नेटवर्क प्लेसेस, माई कंप्यूटर के अंदर क्या है, माई कंप्यूटर के अंदर जो है आपको वो तमाम हार्ड डिस्क के हिस्से जो कि जिसको आप पार्टीशन कहते हैं वो मिलेंगे। ये सी है, सी जो है बाय डिफॉल्ट जो है वो इसके ऊपर विंडोज इंस्टॉल होती है। ए और बी जो है एक और बड़ी फ्लॉपी आपने पढ़ी थी वो उसके लिए ड्राइव लेटर इस्तेमाल होता है। डी जो है वो अगला जो पार्टीशन का हिस्सा होगा, ई एफ जी एच ऐसे चलता जाएगा, मेरे पास दो ही हैं इसकी पार्टीशन तो ये सी और डी नज़र आ रही है। ई जो है वो इसके बाद जो है वो मैंने जब डी हार्ड डिस्क इसके ऊपर ख़त्म हो गई है और आगे पार्टीशन नहीं है तो फिर अगला जो डी के बाद जो लेटर है ई वो DVD जो मेरे सिस्टम में लगी हुई है DVD राइटर जो है वो उसको दे दी गई है। ठीक है, तो जब आप किसी ड्राइव के ऊपर क्लिक करते हो तो उसकी जो नज़र आ रही होती है कैपेसिटी कितनी है टोटल साइज यानी कि, और उसका
कितनी यूज होगी और कितनी जो है वो रहेगी, या फ्री स्पेस जो है वो इसमें अभी 31.3 GB और टोटल इसके अंदर 97, यानी ऑलमोस्ट 100 GB। इस तरह डी को क्लिक करेंगे तो उसका साइज नीचे आ रहा है। ठीक, तो ये है माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर के अंदर जाके आप सी के अंदर जाएं, डी के अंदर जाएं, आप इधर सर्च करने किसी चीज़ को तो की जा सकते हैं। डास के अंदर आपने पिछले लेक्चर कमांड पढ़ी है, वो इधर भी इस्तेमाल हो सकती है, जिसको हम वाइल्ड कार्ड कहते हैं। फिर जो है वो नेक्स्ट जो है वो माई कंप्यूटर के बाद जो है वो है माई नेटवर्क प्लेसेस। माई नेटवर्क प्लेसेस जो है ये चीज़ है, इसका नाम इधर नेटवर्क रख दिया गया है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको वो वाले पीसी या कंप्यूटर या वो शेयर चीज़ें जो आपने शेयर की हुई हैं एक नेटवर्क के अंदर, वो नज़र आ रही होती हैं, वो डिवाइसेस और कंप्यूटर नज़र आ रहे होते हैं। अभी तो कोई नहीं, अभी तो ये मेरा सिस्टम ही नज़र आ रहा है, और इसमें एक जो जिसके थ्रू हम एक नेटवर्क बनाए हुए हैं, उसका जो डिवाइस है जिसको हम राउटर कहते हैं, तो वो नज़र आ रहा है। ये नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये राउटर जो है वो नज़र आ रहा है, तो इसके ज़रिए जो है हम आपस में कनेक्ट हैं, एक हमने नेटवर्क बनाया हुआ है। तो इसके अंदर जो है वो वाले कंप्यूटर अगर ऑन होते जो इसके साथ कनेक्ट हैं, आपस में एक नेटवर्क बना रहे हैं, तो उनके आइकन्स भी इधर आ रहे होते। ये है नेटवर्क। फिर आ जाता है जिसको आप पुराना माई नेटवर्क प्लेसेस कहते हैं। फिर आ जाता है रिसाइकल बिन। ये आपको रिसाइकल बिन नज़र आ रहा है। रिसाइकल बिन क्या है कि आप समझ लें कि आपके घर में पड़ी हुई एक, या आपके स्टडी टेबल के साथ पड़ी हुई एक डस्टबिन है, जिसके अंदर आप कोई चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, कोई पेज ही हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, उसको आप इधर फेंक देते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर भी ये, जब हम कोई चीज़ डिलीट करते हैं तो ये इसके अंदर आके पड़ी रहती है उस वक्त तक जब तक हम इसको इधर से डिलीट नहीं कर देते। तो ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो ये हमने कुछ फाइल डिलीट की है, ये इधर पड़ी है। जब हम इधर से डिलीट कर देंगे तो ये हमारे कंप्यूटर की मेमोरी से ही निकल जाएंगे। ये है रिसाइकलिंग। फिर आ जाता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो विंडोज़ के साथ ही जो इंस्टॉल हो जाता है, इसका नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप इंटरनेट के ऊपर जो मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स हैं उनको ओपन कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट्स हैं उन जिस लैंग्वेज में बनी हुई होती हैं, जिसको हम HTML कहते हैं, उसको पढ़ सकता है। उसको पढ़ के फिर हमें वो वेबसाइट को जो भी उसके अंदर कोडिंग की होती है उसकी खूबसूरत शक्ल दिखाता है, और इसके अलावा हम इन वेबसाइट को किसी और सॉफ्टवेयर, इस तरह का कोई होगा सॉफ्टवेयर, तो उसके अंदर खोल सकते हैं। लेकिन अभी जो विंडोज़ के साथ इंस्टॉल होता है वो यही है। तो ये है इंटरनेट एक्सप्लोरर। फिर आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है वो जब आप ऑफिस इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ ही इंस्टॉल हो जाती है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप जो है वो ये है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, मैंने ऑफिस इंस्टॉल किया था ऑफिस 2000, तो उसके साथ ही ये इंस्टॉल हो गए। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप ईमेल सेंड भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो। तो ये आउटलुक, इसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। फिर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के बाद आप माउस की लेफ्ट, ये जी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक फर्स्ट टाइम जब आप खोलें तो इस तरह से नज़र आते हैं आपको। आप इसमें पहले आपको सेटअप करना पड़ेगा, तो अब सेटअप करना भी काफ़ी टाइम लगेगा, ये आपके इस लेक्चर का हिस्सा नहीं है, तो अभी मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है ये ईमेल सेंड और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फिर आ जाता है माउस की जो लेफ़्ट क्लिक है उसका क्या इस्तेमाल है। मसलन अब ये माउस के ज़रिए मैं लेफ़्ट क्लिक ही कर रहा हूँ, ये हम किसी जो है वो आइकन को, किसी फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं, या डबल क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने माई कंप्यूटर को ओपन किया था, तो ये लेफ़्ट क्लिक का इस्तेमाल है। ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, मसलन किसी चीज़ को आप पकड़ के इधर उधर कर सकते हो, मसलन
यही अभी आपके सामने ये है फोल्डर के अंदर, ये सॉफ्टवेयर है, फाइल्स हैं, इनको आप पकड़ के इधर उधर कर सकते हैं। इसलिए अभी तो ये ऑटो रेंज है, शायद इस वजह से ये इसको हम इसका व्यू चेंज करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप इधर उधर कर सकते हैं, उनको सेलेक्ट किया जा सकता है लेफ्ट क्लिक के जरिए। तो ये है लेफ्ट माउस, राइट क्लिक करना है तो आप राइट क्लिक करें किसी खाली जगह पे, तो क्या है आपके सामने एक जो है वो शॉर्टकट मेन्यू निकल आएगा, या किसी आप फाइल का नाम चेंज करना चाहें तो इधर से कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के ऊपर जब आप आइकन के ऊपर या किसी फाइल के ऊपर राइट क्लिक करने से एक शॉर्टकट मेन्यू निकलता है मजीद जो है वो कमांड्स के साथ। फिर है डेस्कटॉप की आइकन की जगह जो है वो भी आप तब्दील कर सकते हो माउस के ज़रिए। ये डेस्कटॉप के आइकन जो हैं इनको अगर आप तब्दील करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे ऑटो रेंज है तो इसको अभी मैं टिक किया हुआ है तो ऑफ कर देता हूँ, तो आप इसको इधर उधर मूव कर सकते हो। ये देखें, ये है ड्रैग एंड ड्रॉप, ये तो अगर मैं इसको दोबारा करूँगा तो ये ऑटो रेंज आइकन, ये क्लिक करूँगा अपनी जगह पे वापस चले जाएंगे। आप इनको शॉर्ट भी कर सकते हो, व्यू भी कर सकते हो, लार्ज आइकन अगर इसको आपने बनाना हो तो लार्ज हो गया, व्यू लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, फिर आप चाहते हैं इसकी शॉर्टिंग हो जाए नेम के लिहाज से, अभी साइज के लिहाज से ये है, यानी तरतीब इसकी आइटम टाइप के हिसाब से, जैसे आप करना है, डेट मॉडिफाइड के हिसाब से, और ये मैं बाय नेम मैंने क्लिक कर दिया। तो ये है आइकन की जगह तब्दील करना, सॉर्ट करना, ये सारी चीज़ें। फिर आ जाए ऑटो रेंज का मैंने बता दिया, डेस्कटॉप आइकन्स को लाइन में लगाना ये ना आप कर सकते हो, लाइन अप आप इसमें देखते हैं या नहीं, लाइन अप को जब आप करना चाहें इसको लाइन अप तो कर सकते हैं शॉर्टकट मेन्यू में लाइन अप। मेरे पास जो विंडोज जो है वो इधर उधर वो कह रहा है पहले ड्रॉप करें, ऑटो रेंज को पहले क्या किया हमने ऑफ किया, अब हमने जी इधर उधर कर दिया, ये इधर उधर हो रहे हैं बाकी, अब ऑटो रेंज में ऑफ किया हुआ है तो मेरे ख्याल से इसी को वो कह रहे हैं लाइन अप। तो इसको जब हम करते हैं ऑटो रेंज पे तो ये ऑटोमेटिक लाइनअप हो जाते हैं। फिर है डेस्कटॉप आइकन को ज़ाहिर करना, राइट क्लिक करें तो यहाँ पे व्यू में ऑप्शन आएगी शो डेस्कटॉप आइकन, अभी तो शो हो रहे हैं, इसको मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो क्या हो ये गायब हो गया। अब मैं दोबारा इसके जाता हूँ, फिर क्या करता हूँ क्लिक करता हूँ तो ये दोबारा वापस आ जाते हैं। तो गलती से अगर आपसे ऐसा हो जाए तो घबराना नहीं है, राइट क्लिक दोबारा करें और उसके ऊपर क्लिक करें तो वो हो जाएगा। फिर आ जाता है डेस्कटॉप आइकन जाहिर करना, ये मैंने आपको करवा दिया। टास्क बार के जा, ये देखिए नीचे आपको जो है वो टास्क बार जो है वो नज़र आ रही है, ये है टास्क बार, ये टास्क बार जो है इसके अंदर जो है वो राइट साइड पे आपको क्या नज़र आ रही है, ये है सिस्टम ट्रे, ये सिस्टम ट्रे जो है इसके अंदर क्या होता है टाइम होता है, इसके अंदर क्या होता है स्पीकर्स, स्पीकर से आप जो है आवाज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये इंटरनेट का है, ये एक और सॉफ्टवेयर वन ड्राइव, ये फ्लैग नज़र आ रहा है जहाँ से आप कोई भी आपको कोई ऐसा काम जिसके लिए आपको फौरी कोई एक्शन लेना चाहिए वो इधर नमूदार हो जाते हैं, ये लैंग्वेज का है इंग्लिश है या उर्दू है, ये यहाँ से मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो ये आपको नज़र आ रहा है। ये जो है आगे ये है समझ लें, ये टास्क बार, ये टास्क बार का ही हिस्सा है जहाँ पे आप किसी प्रोग्राम को मिनिमाइज करते हो तो ये यहाँ पे बटन की शक्ल में आ जाते हैं या आइकन की शक्ल में आ जाते हैं। तो इसको आप ये भी कह सकते हो कि ये एक क्विक लॉन्च टूल बार है जो पहले हुआ करती थी, तो ये क्विक लॉन्च, इसको मैंने देखे सॉफ्टवेयर मैंने क्या किया हुआ ऐड किया हुआ, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ सिंगल क्लिक से तो ये मसलन एक्सेल है तो ये खुल जाएगा। तो इसी तरह किसी प्रोग्राम को अगर आपने यहाँ पे क्विक लॉन्च के तौर पे आपने करना हो तो आप क्या करते हो, राइट क्लिक करते हो और उसमें से ये कैलकुलेटर है, राइट क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन आती है पिन टू टास्क बार, तो ये यहाँ पे पिन हो जाएगा।
ये देखिए कैलकुलेटर, यानी कि वो चीज़ें जो आपको फ्रीक्वेंटली चाहिए होती हैं उनका आप इधर भी एक क्विक लॉन्च टूल बार की शक्ल में जो है, या इसको इधर पिन कर सकते हो। दोबारा इसको इधर से हटाना है तो राइट क्लिक करें तो अनपिन दिस प्रोग्राम फ्रॉम डॉक, तो ये कहाँ से अनपिन हो जाएगा। ये क्विक लॉन्च टूल बार की जगह पे मैंने आपको करवा दिया। इसका पहला नाम था क्विक लॉन्च टूल बार। क्विक का मतलब जल्दी से, लॉन्च का मतलब उस प्रोग्राम को लॉन्च करना, यानी उसको लेके आना, ऑन करना, तो उधर से आप कर लिया करते थे। ये पुरानी विंडोज़ में हुआ करता था। इसमें विंडोज 7 में क्या है, पिन और अनपिन। फिर है सिस्टम ट्रे, मैंने आपको बता दिया। फिर आ जाता है टाइम सेट करने का, वो भी बता दिया आपको। ये तो टाइम सेट किया जा सकता है, ये इधर क्लिक करेंगे चेंज टाइम एंड सेटिंग, तो इसके अंदर आपको टाइम जो है वो सेट कर सकते हो। ये चीज़ें चेंज डेट एंड टाइम इधर से कर सकते हो, तो वो बंदा कर सकते टाइम डेट सेट जो एडमिनिस्ट्रेटर हो, और दूसरा अकाउंट जो है उसके जरिए नहीं किया जा सकता। टास्क बार की जगह जो है वो चेंज करना, तो इधर तो जो है वो इस मेरे ख्याल से ये लॉक है, अभी इसको ऑफ करते हैं, तो फिर आप इसको इधर उधर कर सकते हो। ये माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये इधर ये कर सकते हो आप। पहले इसको क्या करना है, पहले इसको लॉक अनलॉक करना है, तो मैंने अनलॉक किया पहले, फिर जो है अब लॉक हो गया, अब आप इसको इधर उधर मूव नहीं कर सकते। तो इसकी प्रॉपर्टी में जाएं तो आपको एक होता है ऑटो हाइड टास्क बार, इसको आप ऑटो हाइड कभी कर सकते हो। ओके करो तो ये हाइड हो गई, देखें माउस हटाएंगे तो ये गायब है, माउस लेके आएंगे तो आ जाएगी। इसको हम कहते हैं ऑटो हाइड टास्क बार। स्टार्ट मेन्यू, टूल बार्स, ये सारी चीज़ें, फिर है डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि इसके अंदर आप सेटिंग कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन यानी मॉनिटर के हवाले से, उसकी बैकग्राउंड, बैकग्राउंड सबसे पहले हम देखते हैं बैकग्राउंड कंप्यूटर के, ये जो डेस्कटॉप पे बैकग्राउंड नज़र आ रही है इसको कैसे करना है। तो इसकी किसी हाली जगह पे आप राइट क्लिक करें तो यहाँ पे आपसे नज़र आती है पर्सनलाइज। पर्सनलाइज के ऊपर क्लिक करो तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो यहाँ पे है डेस्कटॉप बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पे जाएं और यहाँ पे जो आपको बैकग्राउंड पसंद है उसको क्लिक कर लें तो वो चेंज हो जाएगी। फर्ज करें ये है सेव चेंजेस, ये चेंज हो गया। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। इसके अलावा है स्क्रीन सेवर, स्क्रीन सेवर भी, फिर आप पर्सनलाइज में जाओ, वहाँ पे है स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर के ऊपर आप क्लिक करो तो यहाँ पे आप 3D मसल को या जो है वो सिस्टम को आप अगर इनएक्टिव छोड़ देते हैं, किसी काम चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये विंडोज़ को लॉक कर जाते हैं आप, या नहीं भी करते तो एक लिमिटेड एक टाइम है 1 मिनट, 1 मिनट के बाद जो है ये ऊपर चलना शुरू हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर, ये जो अभी आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के हैं जो आप इधर उधर लगाना चाहें। तो ये है स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर का मतलब है आपकी स्क्रीन जो है मसलसल उधर से लाइट निकल रही होती है, छोटे छोटे जो इसमें पिक्सल्स होते हैं, सुराख होते हैं, या छोटे छोटे दाने कैले होते हैं जो स्क्रीन पे, उसको हम पिक्सल कहते हैं। तो उधर से जो लाइट मसलसल निकल रही होती है उसको मसलसल निकलती रहे तो उसकी जो आगे आपकी स्क्रीन की जो तह होती है वो जल सकती है। तो इसको जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप चाहते हैं कि इसके कलर चेंज होते रहें, पिक्सल की जो इंटेंसिटी है वो कम या ज़्यादा होती रहे, तो उससे आपके सिस्टम की जो स्क्रीन है वो बच सकती है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्क्रीन सेवर। और ये उस वक्त जो है वो स्क्रीन पे नमूदार होता रहता है और आपका सिस्टम जो है वो मसलसल एक किस्म की लाइट जो एमिट कर रहा होता है उससे उसकी जान छूट जाती है थोड़ी देर के लिए, आपका जो मॉनिटर है उसको थोड़ा रिलैक्स होने का टाइम मिल जाता है। तो आप ये भी सेटिंग कर सकते हैं कि आपका मॉनिटर जो है वो थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाए, या आप खुद उसको ऑफ करके चले, सिस्टम नहीं ऑफ करना, आप उसको स्क्रीन को सिर्फ ऑफ कर दें।
फिर आ जाता है अपेरेंस। अपेरेंस जो है वो क्या चीज़ है, ये अगर आप जाएंगे तो एडवांस में आपने जाना है विंडोज़ कलर में, फिर विंडोज़ कलर में आपने जाना है एडवांस अपेयरिंग सेटिंग। तो यहाँ पे आपको जो है वो विंडोज़ के कलर और अपेयरेंस नज़र आ जाएगा। आप देखें यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर डेस्कटॉप के ऊपर क्या नज़र आ रहा है, ब्लैक। आप कहते हैं ये ब्लू, ये वाला हिस्सा है, तो ये देखिए चेंज हो गया। फिर आप चाहते हैं ये जो टाइटल बार पे लिखा हुआ है ये मैसेज बॉक्स, तो इसके ऊपर जो है वो अभी ब्लैक कलर में, और पीछे जो कौन सी स्क्रीन है लाइट ब्लू। आप कहते हैं ये चेंज हो जाए, ये तो आप उसे चेंज कर सकते हो। इस तरह बटन के ऊपर क्या चीज़ है वो भी आप कर सकते हो। तो हर एक चीज़ के ऊपर जस्ट क्लिक करो और उसका जो है वो कलर सेटिंग चेंज कर सकते हो। ये मेरे उम्र वैसे नहीं करनी चाहिए, अगर आप इसमें एक्सपर्ट हैं तो करें, वरना इसको ना करें। तो इस वैसे लिंक से जो है वो की जा सकती है, इसको हम कहते हैं अपेयरेंस टैब। फिर आ जाता है मुख्तलिफ अज्जा का रंग तब्दील करना, ये मैंने बता दिया आपको। फिर है इफ़ेक्ट्स। इफ़ेक्ट्स में क्या है, इसका जो विंडोज़ 2000 में तो था, लेकिन इसमें भी हम देखते हैं इफ़ेक्ट्स में क्या चीज़ है। इसमें आ जाता है विजुअल इफ़ेक्ट्स और साथ में डेस्कटॉप आइकन की शक्ल चेंज करना। इसको आप करें राइट क्लिक और चले जाएँ आप व्यू डेस्कटॉप आइकन, पर्सनल लाइफ में जाएं, वहाँ पे क्या नज़र आएगा, चेंज डेस्कटॉप आइकन। ये तो ये वही आइकन है जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखिए माय कंप्यूटर, ये इनको ऑन ऑफ किया जा सकता है। देखिए मैं कहता हूँ माय कंप्यूटर ऑफ हो जाए, तो अप्लाई करूँगा तो ये माय कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा वहाँ से। तो अगर किसी वजह से हो जाए तो आप इधर से क्लिक करें और ये अप्लाई करें, दोबारा वापस आ जाएगा। तो ये आइकन जो है इधर से इसको इसका आइकन भी चेंज किया जा सकता है, चेंज आइकन आपके सामने जो है आइकन आ जाएंगे, इनमें आप जो चाहे आइकन को तब्दील कर सकते हैं। ओके करें तो देखिए आइकन चेंज हो गए, ये कैंसिल किया मैंने चेंज, इसको नहीं किया कैंसिल कर दिया। तो ये आइकन भी चेंज किए जा सकते हैं। फिर है सेटिंग ऑफ डेस्कटॉप, इसमें क्या आ जाता है रेजोल्यूशन, जिसको हम क्या कहते हैं सेटिंग जो है वो चेंज कर, डिस्प्ले है जैसे यहाँ पे डिस्प्ले में आप उसको उसका व्यू बढ़ा सकते हैं मीडियम लार्ज जैसे आप करना चाहें। कुछ जो है वो कहते हैं ज़रा शार्प पिक्चर नज़र आए तो ये स्मॉलर जो 100% रखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मीडियम ज़रा थोड़ी सी बड़ी नज़र आए, लार्जर जितनी करती जाएंगे पिक्चर जो है वो इतनी क्लियर नहीं रहेगी। ये अमूमन वो लोग करती हैं जिनको ज़रा आई साइड का मसला है, तो वो आप इसलिए कर सकते हो, उसको 150% दिखा दें बड़ा करके थोड़ा सा, तो जैसे आप चाहें आप कर सकते हैं। फिर आ जाता है इसमें बैकग्राउंड के अलावा रेजोल्यूशन, जो है रेजोल्यूशन जो है वो इसमें आ जाएगी एडजस्ट रेजोल्यूशन। एडजस्ट रेजोल्यूशन में आप जाओगे तो ये आपके सामने रेजोल्यूशन है, ये जितनी कम आप रेजोल्यूशन करोगे आपकी जो आइकन्स हैं उतने क्लियर नज़र नहीं आएंगे, जितनी आप रेजोल्यूशन ज़्यादा करोगे पिक्चर विल बी वेरी शार्प और आपके आइकन्स और कलर्स में वो बहुत क्लैरिफाई होंगे। तो ये इससे रेजोल्यूशन कम करने से पिक्चर भी बड़ी होती है, लेकिन जो है वो साइज़ में अल्फाज भी बड़े होते हैं लेकिन वो क्लियर नहीं होते। हर चीज़ बड़ी नज़र आती है लेकिन क्लियर नहीं होती, शार्प नहीं होती, लेकिन जब रेजोल्यूशन बढ़ाते हो आप तो तब वो शार्प नज़र आती है। तो ये था आपका यानी स्क्रीन रेजोल्यूशन। और रेजोल्यूशन के अलावा आपके पास है वेब, यानी डेस्कटॉप के ऊपर आप वेब जो है वो कंटेंट कैसे देख रहे हैं, तो वो उसको हम कहते हैं एक्टिव डेस्कटॉप। तो एक्टिव डेस्कटॉप जो है वो इसके अंदर मौजूद तो है पुराना, लेकिन वो मैंने इंस्टॉल करने की कोशिश की है लेकिन अब वो नहीं चल रहा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने जो है विंडोज़ 7 के अंदर जो है इसकी जो सपोर्ट है वो ख़त्म कर दी हुई है। अब अगर आप उसको इंस्टॉल भी करने की कोशिश करेंगे, जैसे ये गैजेट्स नज़र आ रहे हैं आपको, क्लॉक और ये डेट, तो इसके अंदर जो है वो राइट क्लिक करके गैजेट्स में जाएंगे तो आपको मोर गैजेट्स नज़र आएंगे। तो ये कुछ गैजेट्स इसमें, इनमें एक्टिव डेस्कटॉप होता है, आगे मैंने इंस्टॉल किया लेकिन वो नहीं चला, इस वजह से ये
वाला जो प्रैक्टिकल है ये मैं नहीं करवा पाऊंगा इधर, बाकी आपका प्रैक्टिकल जो है वो कंप्लीट है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। अगले लेक्चर के लिए अपने टीचर